सतीश कह रहे हैं ये सब बातें ठीक हैं, पर जीवन का एक सत्य ये है कि हम सब अपनी परिस्थितियों की पैदाइश है। बच्चा छोटा रहता है, उसे वो ग्रहण ही करना पड़ता है जो उसके आसपास का वातावरण उसे देता है, वो करेगा। बात बिल्कुल ठीक है सतीश तुम्हारी, एक उम्र तक तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बड़े मजबूर रहते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, पूरी तरीके से डिफेंसलेस होते हो, असुरक्षित। बच्चा छोटा है, न उसका शरीर विकसित हुआ है, न मस्तिष्क विकसित हुआ है, अभी उसमें काबिलियत ही नहीं कुछ समझने पूछने की। निश्चित रूप से उसके मन में सारी धारणाएं वहां से आएंगी, आनी ही पड़ेंगी, विकल्प ही नहीं है कुछ। बच्चे को बताना पड़ेगा कि सड़क पे किस तरफ चलो, किस तरफ ना चलो। बच्चे को बताना पड़ेगा कि बिजली का सॉकेट है तो उसमें उंगली ना डाल दो। बच्चे को बताना पड़ेगा कि पानी गर्म है, हाथ में डाल देना इसमें, अभी नहीं समझता। और ये सब जो उपयोगी जानकारी है, इसके साथ साथ बच्चे के मन में कुछ और भी प्रवेश कर जाती है, वो है धारणाएं। जैसे बच्चा छोटा सा होता है उसको एक धर्म थमा दिया जाता है, बच्चा छोटा सा होता है उसको एक दृष्टि थमा दी जाती है कि दुनिया ऐसी है वैसी है, उसको बोल दिया जाता है कि जीवन का क्या अर्थ है, प्रेम का क्या अर्थ है, समाज परिवार इनका क्या अर्थ है, पैसे का क्या अर्थ है, ये सब बातें उसके मन में बैठा दी जाती है। छोटा होता है तभी ये सब होके रहेगा, और जैसा परिवेश होता है तुम्हारे वैसी बातें बैठा दी जाती है। सतीश ने बिल्कुल ठीक कहा, सतीश हम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, वो अतीत है हमारा, वो अतीत है, उसका कुछ हो नहीं सकता। ये अवश्यंभावी है, ये अपरिहार्य है कि ऐसा होगा, पर ऐसा 10-12 साल की उम्र तक हो तभी ठीक है, क्योंकि तब तक तुम्हें जरूरत है किसी ऐसे हाथ की जो तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें साथ चला सके। प्रश्न यह है कि क्या तुम अभी भी 8 साल या 12 साल के हो? आज तुम क्यों निर्भर हो दूसरों पर? अतीत को नहीं बदल सकते, बात ठीक, और अतीत में तुमको जो दिया सो दिया वो भी ठीक, लेकिन अभी तो वर्तमान है, और वर्तमान में तुम्हारे पास क्या कारण है? प्रतंत्र रहने का, परावलंबी रहने का। आज तो मुक्त क्यों नहीं हो? और मुक्ति से मेरा क्या, मुक्ति से मेरा आपका जी मन क्यों नहीं मुक्त है आज भी? निश्चित रूप से तुम्हारे मन पे अतीत का भार है, मैं उसको समझ रहा हूं, पर उस भार के अतिरिक्त तुम्हारे पास चेतना भी तो है। उस चेतना को क्यों नहीं खुलने देते, क्यों नहीं रोशन होने देते मन को उस चेतना से? समझ पाने की शक्ति है तुम्हारे पास, सीधे सीधे कहो तो बुद्धि अकल है तुम्हारे पास। आज आज अपना जीवन उसके अनुसार क्यों नहीं जीते? अतीत को नहीं बदल पाओगे, कोई नहीं बदल सकता। अतीत ने तुम्हें जो दे दिया सो दे दिया, जो ले लिया सो ले लिया, रात गई बात गई, खत्म, फुल स्टॉप, पूरी तरीके से फुल स्टॉप। अतीत को दोष दे करके कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज से भागना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीत का तुमने एक बहाना खोज लिया है ताकि आज वो करने से तुम बच सको जो आज कर?
सुविधाजनक विकल्प मिल गया है तुमको, दोष दे दो अतीत को, छुट्टी ईमानदारी से देखना हो, ध्यान से अतीत नहीं बदला जा सकता, पर वर्तमान को पूरी तरह जीने से तुम्हें कौन रोक रहा है मुझे ये बताओ। हजार संभावनाएं हैं जो आज भी तुम्हारे सामने खुली हैं, उन संभावनाओं में जाने से तुम्हें कौन रोक रहा है ये बताओ। अतीत नहीं होगा, तुम्हारे मन की प्रतंत्रता रोक रही है अतीत को दोष मत देना, समझना पड़ेगा। जिन्हें करना होता है वो अभी करते हैं और जिन्हें नहीं करना होता बहाने तलाशते होते हैं, वो तलाशते ही रह जाते हैं। मन देखो ऐसा ही, मन बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मन का काम है बहानों में जीना, मन का काम है कुछ ना कुछ विकल्प तलाशते रहना। मन की इस प्रक्रिया को समझो, मन की इस प्रक्रिया को समझो। मैं अभी तुमसे कुछ बोल रहा हूं, क्या इसको समझ पाने के लिए तुम्हारे पास एक विशिष्ट किस्म का अतीत होना चाहिए? मैं अभी तुमसे जो भी कुछ कह रहा हूं तुम्हें मौजूद हो इतना काफी है ना, तुम्हें अतीत का सहारा नहीं चाहिए। तुम्हारा अतीत बड़ा सुनहरा रहा हो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता, और तुम्हारा अतीत बड़ा गरीब रहा हो उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। यही वर्तमान है, यही वर्तमान, इस वर्तमान को जियो पूरे तरीके से, अतीत तुम्हारे बाड़े